अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो ब्लरर है उसके स्टोन्स पढ़ लिए हुए हैं, उसकी इंजरीज़ वगैरह पढ़ ली हैं। और अब जो हम लोगों ने चीज़ पढ़नी है वो बहुत ही आसान सा है, जिसमें हमने देखना है कि ब्लरर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुई भी हो तो फिर क्या हो सकता है। सो बेसिकली जो ब्लडर की इन्फ्लेमेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। सो सिस्टाइटिस का मतलब यानी यही पता है, यूटीआई में ही आता है, लेकिन यूटीआई में हम कहते हैं ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी जिसके अंदर ब्लडर एंड यूरेटर एंड सारा कोई भी एंड यूरिथ्रा इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ जब हम स्पेसिफिकली सिर्फ कह रहे हैं कि ब्लडर के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस कहेंगे। सो सिस्टाइटिस का मतलब ये है कि जो ब्लडर का म्यूकोजा है उसके अंदर क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर म्यूकोजा, ठीक है बेटे। सो जो ब्लडर के म्यूकोजा के अंदर क्या हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस की जो मोस्ट कॉमन रीज़न है आपको पता है क्या है, ई कोलाई है। लेकिन ई कोलाई के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर हमारे पास प्रोटियस आ सकता है, क्लेबशिएला स्पीशीज आ जाती हैं और इंटेरोकोकस आते हैं, स्टेफेलोकोकस हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो जाहिर है ई कोलाई ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात ये करता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़रा ज़्यादा प्रॉन होती हैं ओवरऑल फॉर यूटीआई इन्फेक्शन, और वो इस वजह से ज़्यादा प्रॉन होती हैं क्योंकि फीमेल्स का जो यूरीथ्रा है वो शॉर्ट है, और शॉर्ट यूरीथ्रा से इन्फेक्शन बहुत ईजिली असेंड करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो जो शॉर्ट यूरीथ्रा है इन फीमेल वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूटीआई, ठीक है। उसके अलावा जो फीकल मटीरियल है, फीकल की जो कंटेमिनेशन है उससे वजाइनल म्यूकोजा कंटेमिनेट हो सकता है, ओपन सी कैविटी है और वहाँ से भी असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दो रीजंस जो हैं वो फीमेल को प्रॉन करती हैं फॉर मोर सिस्टाइटिस और यूटीआई। अब अगर हम देखें कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जो सिस्टाइटिस कॉज करेंगे, तो नंबर वन ब्लडर की आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन, क्योंकि जितना आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है ये यूरिन रिटेंशन होगी और रिटेंशन के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का चांस और बढ़ेगा। इसी तरह बेटे अगर कोई भी वहाँ पर फॉरन बॉडी है या कोई भी स्टोन है जैसे कि कैलकुलस है, तो स्टोन भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा और इन डायरेक्टली अगर हम कहें तो कंडीशन सेट करेगा फॉर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इसी तरह अगर पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन है या फीमेल जेंडर है, फीमेल में भी हमने कहा शॉर्ट यूरीथ्रा की वजह से इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, या यूरिनरी ट्रैक की कोई भी एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती है, सो उसके अंदर भी वो प्री डिस्पोज हो जाता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फॉर सिस्टाइटिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लिनिकल फीचर किस तरह से हैं, पेशेंट की क्या कंप्लेंस हैं, तो आपको लगता है कि जी यूटीआई है या सिस्टाइटिस है, तो एक तो बेटे उसकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा छोटा पेशाब आता है, बार बार जाना पड़ता है और फिर वो मुझसे कंट्रोल भी नहीं होता, तो ऐसे लगता है कि बस अभी मैं अगर वॉशरूम तक ना पहुंचा तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। सो अर्जेंसी और फ्रिक्वेंसी नहीं, बार बार आता है और फिर कंट्रोल भी नहीं होता, और फिर उसके साथ जो है डिसयूरिया यानी मिक्चुरेट करने में तकलीफ होती है, यानी एक बर्निंग सी सेंसेशन होती है, जलन होती है। सो यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अर्जेंसी ज़्यादा है, डिसयूरिया है, बर्निंग सेंसेशन है, उसके अलावा जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है उस रीजन में क्या भी हो रहा होता है, पेन भी हो रहा होता है। पेन के साथ सुअर केसेस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें हीमाचूरिया यानी पेशाब के अंदर खून भी मिल सकता है, और उसके अलावा जब भी इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो आपको बताया कि पायरेक्सिया हो जाएगा यानी बुखार हो जाएगा, राइगर रोचल्स यानी ठंड ठंड उसको लगेगी, मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। तो हम लोगों ने कहा पेशेंट को छोटा पेशाब आता है, बार बार आता है, उसके साथ जलन भी हो रही है, सुप्रा प्यूबिक रीजन में हाथ लगा के बताता है कि दर्द भी है, खून की शिकायत भी हो सकती है और साथ में बुखार और ठंड भी लग सकता है। नाउ इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है हमने क्या करनी है, यूरिन की माइक्रोस्कोपी करानी है फॉर पर्सन, ठीक है। सो यूरिन की माइक्रोस्कोपी पे हम देखेंगे कि पर्स सेल प्रेजेंट है या नहीं है, और नंबर टू हम इसी की यूरिन की कल्चर एंड सेंसिटिविटी भिजवाएंगे ताकि हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पता चल सके और फिर उस मुताबिक हम अपनी एंटीबायोटिक यानी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो हम क्या भी कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सिस्टोस्कोपी करेंगे टू रूल आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी मैलिग्नेंसी। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि आप लोग इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटे इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के लिए हमने क्या देनी होती है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ही देनी होती हैं। हमारी पहली कोशिश ये होगी कि जो भी प्री डिस्पोजिंग कॉज है हम उस प्री डिस्पोजिंग कॉज को रिमूव करें, उसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा पानी पीने का कहते हैं, और पानी पीने के साथ साथ फिर हम इसको एंटीबायोटिक देते हैं जिसमें हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो हैं वही मोस्टली दी जाती हैं फॉर यूटीआईज। ये हो गई आसान सी बात सिस्टाइटिस की। अब उसने कहा है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ए बैक्टीरियल पायूरिया। अब ये जो ए बैक्टीरियल पायूरिया है इसमें बेटे जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो सेम ही होती हैं जैसे कि अभी हमने सिस्टाइटिस में देखी हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि इसके यूरिन के अंदर पस सेल तो मिलते हैं
लेकिन जब उसी यूरिन का हम कल्चर करते हैं तो उस कल्चर पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ए बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि कल्चर के ऊपर बैक्टीरिया जो है या कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों हो सकता है, इसकी डिफरेंट वो कहता है कॉजेज हो सकती हैं, फिर उस मुताबिक हम ट्रीट करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई कार्सिनोमा इन सीटू है तो उसकी वजह से सारी कंप्लेन एंड पस सेल होगा, लेकिन कॉजिटिव एजेंट हमें नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद ये कहता है कि अनट्रीटेड यूटीआई है, यानी जिसको आपने ठीक से ट्रीट नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से अभी सिम्टम्स तो हो रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कल्चर पे हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस है या माइकोप्लाज्मा है तो वो ए बैक्टीरियल पायूरिया कॉज कर सकता है। नाउ सेकेंड या थर्ड एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल, आपसे सिस्टाइटिस की टाइप्स पूछी जाती हैं। सो इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस, और ये जो इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस है इसको हम लोग बेटे ह्यूनर्स अल्सर भी कहते हैं, इसको क्या भी कहते हैं, ह्यूनस अल्सर भी कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टाइटिस है जिसको बेसिकली हम कहते हैं पेन सिस्टाइटिस, ठीक है। और ये ज़्यादातर होता भी फीमेल्स में ही है, यानी ब्लैडर का जो मिकोज़ा है उसकी जो सारी वॉल्स हैं उन सारी वॉल्स के अंदर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जो है वो हुई भी होती है। सो पेन सिस्टाइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन होती है ऑल लेयर्स ऑफ ब्लैडर की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और फिर ये जब इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व होती है तो उस रीजन पे क्या भी हो सकती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और जब फाइब्रोसिस होगी तो वॉल की जो है वो शॉर्टनिंग हो जाएगी, और ओवरऑल हम देखेंगे तो ब्लडर जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लडर शॉर्टर हो जाएगा तो उसको यूरिन को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है बेटे, वो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरस्टीशियल या पेन सिस्टाइटिस में पेशेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो वो कह रहे हैं ज़्यादातर आपने याद रखना है कि ये फीचर या ये कंडीशन कॉमन ही फीमेल्स तक है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी होती है, ठीक है, और पेन भी होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लडर शॉर्टन हो जाता है ना, तो जैसे ही वो मैच्योरेट करती हैं, ब्लडर रिलैक्स हो जाता है तो कंप्लेन खत्म हो जाती है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई भी होती है और पेन होता है, वो पेन रिलीफ हो जाता है जैसे वो मैच्योरेट करती हैं, क्योंकि वो छोटा था, छोटे ब्लडर में ज़्यादा यूरिन रिटेन हुआ हुआ था तो दर्द होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम सिस्टोस्कोपी करेंगे तो सिस्टोस्कोपी पे हमें अल्सर जो है वो मिल सकता है एट द बेस ऑफ द ब्लडर, इसी इसको क्या भी कहते हैं, ह्यूनर अल्सर भी कहते हैं। द लास्ट थिंग इज़ इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में बेटे क्योंकि ब्लडर की शॉर्टनिंग हुई भी होती है ड्यू टू फाइब्रोसिस, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हाइड्रोस्टैटिक डायलिटेशन करा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक डायलिटेशन कर सकते हैं। या फिर वो कह रहा है कि हम जो है वो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जो है वो उसके ड्रॉप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्वेयर सिम्टम हैं तो उसके अंदर हम यूरिनरी डाइवर्जन भी कर सकते हैं, यानी यूरिन का पाथवे डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर हम उसके अंदर सिस्टोप्लास्टी भी कर सकते हैं। सो आसान सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। सो इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस बेसिकली जिसमें होता है पेन सिस्टाइटिस, ठीक है, और फाइब्रोसिस हो रही होती है, इस वजह से उसका जो पाथवे है वो कम हो जाता है। और एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पर बताई हुई है मैं बता देती हूँ, वो भी है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम कहते हैं शिस्टोस्टोमियासिस ऑफ ब्लडर। ये जो शिस्टोस्टोमियासिस ऑफ ब्लडर है ये पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इजिप्ट कंट्रीज़ वगैरह में कॉमन है। अब ये जो शिस्टोस्टोमा है ये बॉडी के अंदर इंटर होता है और उसके बाद लिवर में जाता है, लिवर के अंदर जाके ये अच्छा खासा फलता फूलता है, और लिवर में फिर ये पोर्टल वेन के थ्रू बेसिकली ब्लडर में आ जाता है, कौन, शिस्टोस्टोमा, ठीक है। जब ये ब्लडर के अंदर आता है तो ब्लडर के अंदर आके ये इन्फ्लेमेशन करता है, और इन्फ्लेमेशन के बाद अगर हम वहाँ देखेंगे तो कुछ सूडो ट्यूबरकल बना सकता है, न्यूज़ बनाता है, सैंडी पैचेस बनाता है, अल्सरेशन, पेपिलोमा और कार्सिनोमा कर सकता है, ठीक है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो भी हम लोगों ने यूरिन कल्चर करना होता है, उसके अलावा हम एंटीबॉडी चेक करते हैं थ्रू एलाइजा अगेंस्ट शिस्टोस्टोमा, और सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। और ट्रीटमेंट के अंदर वो कहते हैं प्रेस्क्विंटल ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपने याद रखनी है, ये हमने फार्मा के अंदर भी पढ़ी हुई है, प्रेस्क्विंटल बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर शिस्टोस्टोमियासिस या शिस्टोस्टोमल इन्फेक्शन के लिए। तो ये आसान सी चीज़ थी सिस्टाइटिस के बारे में। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक ही पढ़ लिया। सो सिस्टाइटिस जो है वो बेसिकली ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन था, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया और साथ में पायरेक्सिया और फीवर और इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है। साथ में हम लोग यूरिनरी यूरिन कल्चर माइक्रोस्कोपी सिस्टोस्कोपी करेंगे, इसको कहेंगे रेस्ट करें, कॉज को रूल आउट करें, पानी पिए और एंटीबायोटिक्स दे दें। इसमें आपको पस मिलती है लेकिन आपको बैक्टीरिया नहीं मिलता। इसमें पेन सिस्टाइटिस सारी लेयर्स की हुई हुई है, जिसमें बहुत सारी इन्फ्लेमेशन, मार्क इन्फ्लेमेशन एंड देन फाइब्रोसिस एंड शॉर्टनिंग होती है। सो पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है आफ्टर मिक्चुरेशन। हम ट्रीटमेंट के लिए डायलेशन वगैरह कर सकते हैं, और लास्टली शिस्टोस्टोमियासिस तो वो बता दिया, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रेस्क्विंटल।